रही है वहाँ बैंक पीएनबी से, कर्मचारी बड़े परेशान है, वो करीब जब ये लॉकडाउन लगा तब से परेशान है। अब वो आज वो आए उनके लिए कुछ लिख के दिया बैंक वालों ने, वो दिखा रही है। मैंने कहा उनके लिए कुछ उधर है कंट्रोल रूम में बैठी छोड़ा गया, बदल से परेशान। मेरा नाम है बुंदन खां। कौन से गांव से आए हैं? ग्राम लालखेड़ा से। पूरी बात बताओ, क्या है मामला पूरा? पूरी बात तो बहुत लंबी बात है साहब, थोड़ी शॉर्ट में बताइए। शॉर्ट में ऐसा है साहब, ये बहुत गलत काम गांव में कर रहे हैं, सभी गांव वाले खिलाफ़ हैं इनसे। पूरन प्रधान जी, सब गांववासी जो के खिलाफ हैं उनसे। मामला क्या है? मामला इसको लेकर चले हैं कि जो खलिहान है, तो खलिहान को जो सब गांव कह रहे हैं खलिहान में रहने, क्योंकि हमारे कंडे पड़ते हैं या गोबर पड़ता है या भूस लगता है, हमारा हमारे काम की हमारी ज़मीन है, हमारे काम में आ रही है। और ये लोग लगे हैं बेचने में, उसे जो है सीढ़ी चेंज करवाने के बाद में कह रहे हैं कि वो मैंने सीढ़ी चेंज कराई है, मैंने रुपया लगाओ मैं तो पैदा करूँगा 1500 रुपये 2000 रुपये, जैसा कि 50,000 को 40,000 को 1,00,000 उन्हें देने के लिए तैयार है। उनका जो करीबी आदमी है, जो जिसके पास में चार चार मकान है बेलोग, और जिसके पास रहने के लिए छपड़ियाँ नहीं है और मुर्गियाँ बकरियाँ उतियाँ बंद होते हैं, उनके लिए कुछ नहीं है समझे। वो पैसा दे लाए गए अपने बच्चों को बेचे कुछ भी, तो उसके लिए जगह है। आप लोग क्या चाहें? तो हम ये चाह रहे हैं कि जैसी जगह है, जैसे लोग बढ़ते चले आ रहे हैं, वो वैसी रहे। और रहने के बावजूद अगर वो उठाएँ जगह, अगर उनने सीढ़ी जो 2019 में अगर चेंज कराई है, 2004 में बता रहे हैं कि 19-4 में कराई है, तो हम कह रहे हैं कराएं, हम उनके सहयोगी हैं, वो गरीबों को दे दें जगह हैं, गरीब हम उनके साथ रहेंगे। सब मीटिंग कराएं, हमारे तहसील के अधिकारी लोग जाएंगे, लेखपाल जाएंगे, कानी गोए साहब जाएंगे, सब लोग जाएंगे, वो एक प्रस्ताव बनाएंगे और कहेंगे कौन गरीब है कौन अमीर है, गाँव में देखेंगे उस चीज़ को। और ये कुछ नहीं, ये तो अपनी मनमानी चल रहे हैं, अपनी गुंडागिर्दी करे चले जा रहे हैं। अधिकारी के साहब, हम तो उस दिन गए थे, ये कागज़ हमारे कहने थैलियाँ भरी हुई है, ये हैं ये थैलियाँ भरी हुई है, हम अधिकारी गए कहीं वहाँ पर हैं, कोरोना की जांच हो रही है, वहाँ पहुँचे तो कहीं साहब ऐसा है तहसीलदार के ने जाओ, एडी साहब ने आदेश भी ये कर दिया कि तहसील पास जाओ, तहसीलदार वहाँ बैठे हैं, वहाँ गए फिर लेखपाल को घेर, लेखपाल साहब वहाँ हरदुआ बैठे हैं उनके पास देखे आए, तो कहीं ऐसा है कोरोना चल गया कुछ नहीं होगा, तो अब हम हमारे लिए कुछ नहीं होगा। वे लोग जो अपना फ़ायदा उठा रहे हैं, वो इतना फायदा जा रहे हैं कि अधिकारी कोई जाता नहीं है, और हम लोग लड़ने के लिए तैयार नहीं है बगैर सरकार को लेके। हमें अगर आदेश दे दे तो हम एक दिन में फंसा देंगे समझे, और अगर हम अपने हाथ में हाथ ये नहीं ले सकेंगे, हम कानून अपने हाथ में ले लें हमारे बस की बात नहीं है, वो अपने कानून अपने हाथ में लिए पड़े हैं, कह रहे हैं कि ऐसा हमने आदेश करा लो, हम तो बना देंगे, तुम्हें रोक मिले तो रोक लियो समझे।